तो अल्टीमेटली उनकी हेकड़ी जो थी कि फोर्स के साथ में, ताकत के साथ में, ज़बरदस्ती के साथ में जो उन्होंने ये करने का प्रयास किया, वो सारा का सारा मतलब धरा का धरा रह गया वो। हाँ, तो मतलब जो केजरीवाल जी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है ना। अगर राजेंद्र पाल गौतम का अगर कोई दोष है तो वो ब्राह्मणवादी केजरीवाल के साथ जाने का दोष है, बाकी उसका कोई दोष नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने से मान लिया कि केजरीवाल क्रांतिकारी है, मगर वो है नहीं। ये एक वामन मेश्राम ही है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के बारे में सोच सकता है। ऐलानिया कह रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मतलब गंदा खेल खेला, वो सेम गंदा खेल अभी मायावती खेल रही है। बीजेपी को खत्म करने के लिए मतलब दानव और राक्षस में से चुनना पड़े तो हम चुनेंगे। मायावती बगैर मेंटर का काम नहीं कर सकती। दो बातें हैं कि एक तो वो सारा कार्यक्रम उन्होंने जानबूझकर योजना बनाकर रोकने की कोशिश की, और रोकने की कोशिश में वो विफल हो गए, और बहुत बड़े पैमाने पर 2-3 लाख लोगों का गैदरिंग होने की वजह से पुलिस लोग गाड़ियाँ लाते रहे और लोग लगातार आते रहे। आखिरकार पुलिस कमिश्नर हाथ मतलब परेशान हो गया कि अभी हमारे पास तो फोर्स है नहीं, 8,000 फोर्स मंगाया था उन्होंने और 200 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ हमारी रोकी, मतलब लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को और आने नहीं दिया गया इसके अंदर। तो इसलिए ये उनकी विफलता है। और आखिरकार कमिश्नर को मैं सदर पुलिस चौकी में मुझे डिटेन करके रखा गया था, तो वहाँ पुलिस कमिश्नर को मुझे मिलने के लिए आना पड़ा और आकर के मुझे ये कहना पड़ा कि 5 मिनट के लिए आप मॉब के सामने चलिए, 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए चलिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपने डिटेन करके रखा है तो मैं नहीं जाऊँगा। शांति बनाए रखने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर मॉब के सामने जाकर मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली उनकी हेकड़ी जो थी कि फोर्स के साथ में, ताकत के साथ में, ज़बरदस्ती के साथ में जो उन्होंने ये करने का प्रयास किया, वो सारा का सारा मतलब धरा का धरा रह गया, वो सही नहीं हुआ, गलत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं और जो आवश्यक कार्रवाई है आने वाले समय में वो भी हम लोग करेंगे। नहीं, मौलिक बात तो ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 14 अक्टूबर 1956 को संविधान लागू होने के 6 साल के दरमियान बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं कही, तो उस समय तो कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया या उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया। तो ये मीडिया के द्वारा खबरें बनाकर ऐसा माहौल बनाया गया है, और ऐसा कोई जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं जिससे अपमान करने वाली बात होती हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुद्दा उसमें है नहीं। हाँ, तो मतलब जो केजरीवाल जी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है ना। क्या दलित समाज सर वोट बैंक के लिए रुक लीजिए के बीजेपी की विचारधारा में और केजरीवाल की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन राम भक्त लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को, ब्राह्मणवाद के प्रभाव में आए हुए गुमराह लोगों को अपने साथ रख सकता है। अगर राजेंद्र पाल गौतम का अगर कोई दोष है तो वो ब्राह्मणवादी केजरीवाल के साथ जाने का दोष है, बाकी उसका कोई दोष नहीं है। मतलब वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, राजेंद्र पाल गौतम उस कॉन्ट्रडिक्शन से शिकार है।
क्योंकि केजरीवाल बहुत प्रगतिशील आदमी है, बहुत क्रांतिकारी आदमी है, इसलिए राजेंद्र पाल गौतम उनके साथ गए हैं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल की विचारधारा और ब्राह्मण बीजेपी की विचारधारा एक ही है और उसमें राजेंद्र पाल गौतम घुस गए, ये कॉन्ट्रेडिक्शन है। उस कॉन्ट्रेडिक्शन के राजेंद्र पाल गौतम शिकार हो गए। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने से मान लिया कि केजरीवाल क्रांतिकारी है, मगर वो है नहीं। इससे ये बात प्रमाणित हो गई कि केजरीवाल ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया, बाकी लोगों का नहीं किया। इस एक्शन से ये प्रूव हो गया कि केजरीवाल जी जिस विचारधारा को मानते हैं उसके हिसाब से उन्हें इस्तीफा लिया, मगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने मिसअंडरस्टैंडिंग अपना कर लिया कि अरे यार केजरीवाल तो क्रांतिकारी आदमी है, उनके साथ जाना चाहिए। ये गलती केजरीवाल की नहीं है, ये गलती राजेंद्र पाल जी की है। कहीं ना कहीं दोषी माने सर बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं रह गया सर? है ही नहीं ना, है ही नहीं, फर्क है ही नहीं। ये फर्क है तो फिर हम ही चले जाते, अगर फर्क होता तो चुनाव में फर्क पड़ेगा सर इससे कुछ? चुनावों में जनता देखेगी सर कि क्या आम अभी क्या है। बीजेपी के पास में कुछ मुद्दे तो है नहीं, वो कुछ कर तो है नहीं रहे, वो इसी तरह का मीडिया को अपने साथ लेकर के हंगामा खड़ा करते रहते हैं। जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों को सॉल्व करने की दृष्टि से तो वो कुछ करते नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 2024 के लिए अलग अलग मंदिरों में जाकर अपना भजन कीर्तन करने का काम कर रहे हैं, या उनके लिए करोड़ों रुपए जो है जनता के टैक्स के वो दे करके मंदिरों का वो करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से नागपुर में मार्च किया तो उसका आप कैसा मैसेज समझते हैं? सारे देश भर में जो हमारे से सहमत नहीं थे सारे सहमत हो गए जी। कि एक वामन मेश्राम ही है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के बारे में सोच सकता है, तो हमने केवल सोचा नहीं, लेकर जाने का काम किया और 2-3 लाख लोग इकट्ठा किया सारे देश भर से। ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता, वो हमने करके दिखाया। वो तो कोर्ट में जा रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कमिश्नर ने कहा कि हमें डिटेन करने के पहले नोटिस दिया, झूठ है, उसका हमारे पास सबूत है। डिटेन करने के पहले मेरे पास वीडियो है कि मैंने उन पुलिस अधिकारियों को डिटेन करने के पहले मुझे नोटिस देने के लिए कहा, उसके वीडियो है। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, वो डिटेन करके लेके गए और फिर छोड़ने के बाद दिया, तो हमने वो नोटिस स्वीकार करते उसमें टाइम लिखा, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया। अब ये जो पुलिस कमिश्नर का बयान जो झूठा बयान है उसी को आधार बनाकर उसके खिलाफ केस हो जाएगा, उसके खिलाफ डेफेमेशन का भी केस हो जाएगा, उसके खिलाफ एट्रोसिटी का भी केस हो जाएगा, दोनों केस डाल रहा हूँ। ये दोनों केस डालने का ऐलान मैंने 9 तारीख को किया, 9 तारीख को, और 9 तारीख को इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने जब मेरा बयान देखा तो 7:33 को उन्होंने मेरे खिलाफ FIR कर दिया, 5 तारीख के भाषण के लिए FIR किया 9 तारीख को, भाषण मेरा है 5 तारीख को। और वहाँ वो कह रहे हैं कि मैंने गैर कानूनी बातें की, बल्कि मैंने वहाँ ये कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे आंदोलन में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको पुलिस को हैंडओवर कर दूंगा, मैं तो ये बात कहा। वो वीडियो हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्डेड है। देखो मैं जिस संगठन और आंदोलन की बात कर रहा हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, मगर 2024 में बीजेपी चुनाव जीत कर नहीं आए इसके लिए हम कोशिश करेंगे, BSP को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐलानिया कह रहा हूँ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मतलब गंदा खेल खेला वो सेम गंदा खेल अभी मायावती खेल रही है, उसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी में और मायावती में कोई अंतर नहीं है, बीजेपी को ख़त्म करने के लिए मतलब दानव और राक्षस में से चुनना पड़े तो हम चुनेंगे। ये तो देखो आंदोलन है, इसमें काशीराम जी से हम काशीराम जी से प्रेरणा लेकर काम करते, तो उन्होंने भी तो ऐसा किया। बसपा ने इतना कुठाराघात किया सर देश पे, ऐसा क्या कारण है जो आप बसपा को इतना सर नाराज? मायावती के प्रति आप लोगों का प्रेम जो है ना, मुझे हैरानी होती है, ऐसा क्या बड़ी हैरानी होती है।
आप लोगों का प्रेम मुझे बड़ा हैरानी लगता है। पत्रकारों का, तुम आप कार्यकर्ता हो कि पत्रकार हो? सर उनकी मुझे लगता तो है नहीं कि आप पत्रकार हो। उनकी जानकारी तो जनता को दिखानी ना सर, उसके लिए आपसे पूछना चाह रहे कि बसपा ने ऐसा क्या किया जो उसको आप धरातल से हटाना चाहते हैं? देखो, बसपा के 5 साल उसकी ये रही, 5 साल में अगर वो चाहे तो हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कानून बना सकती थी, हाईकोर्ट ने कहा भी आप कानून बना सकती है, आप बनाइए, बगैर कानून के आप ऐसा नहीं कर सकती। रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको पता है कि एट्रोसिटीज का जो कानून है उसके लिए जो सर्कुलर मायावती ने निकाला कि किसी भी एट्रोसिटी करने वाले लोगों को जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा किए बगैर और सबूत मिले बगैर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस वाले जांच पड़ताल में हमारे लोगों के फेवर में काम करते हैं, करते हैं कई सारे देश भर में। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हमारे चौधरी विकास पटेल जी है, तो सारे देश भर में अभी हम लोगों ने 29 नवंबर को भारत बंद कर रखा है, ऐलान किया हुआ है भारत बंद होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? अरे भारत बंद भारत से शुरू होगा कि अमेरिका से शुरू होगा? हाँ, भारत बंद का मतलब एक राज्य में नहीं होता है, भारत में हमारे देखो हमारा संगठन है 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँव में है। अभी 674 जिलों में बंद होगा। अभी ये निर्णय अभी यहाँ हो गए और 150 लोगों को जो 674 जिले बचे हुए हैं, मतलब 100-125 बचे हैं, उनमें एक एक आदमी को मैं भेज रहा हूँ। ये 3 महीने में 674 जिलों में फैल जाएगा। और आज की तारीख में जिसे फुली शाहू अम्बेडकर का आंदोलन कहते हैं, ये हमारे आंदोलन के अलावा अभी कोई है नहीं, कोई लड़ता हुआ नहीं है। बीजेपी के लोग मायावती को डरा रहे हैं और मायावती डर रही है। डरपोक आदमी हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं? अरे भिड़ने वाले लोग चाहिए। अम्बेडकरवाद का दूसरा नाम है भिड़ना, और फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाके भिड़ना, ऐसा दिमाग में भी मायावती के आ सकता है? मायावती को या तो काशीराम जैसा मेंटोर चाहिए या तो वो सतीश मिश्रा जाए, वो बगैर मेंटोर को कोई काम नहीं कर सकती। मायावती बगैर मेंटोर को काम नहीं कर सकती, मेरी बात समझ रहे क्या? इसका कोई सवाल है तो पूछो। पीएफआई के बारे में सर, ये 2 लाइन सर। पीएफआई के बारे में केवल इतना कहना है कि अजमेर बम ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, पीएफआई के किसी कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, ऐसा कोई सबूत अभी तक भारत सरकार ने पेश नहीं किया और इस पर बैन लगा दिया। उसको आजीवन कारावास होने के बावजूद भी बैन नहीं लगाया, नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूँ, 18 केसेस है आरएसएस पर अभी भी, 18 में एक केस देशद्रोह का मुकदमा फेस कर रही है आरएसएस। सरकार उनकी होने की वजह से उस केसेस को लंबी लंबी तारीखें मिलकर तारीखें आया चलते रहते हैं।